जैसे आपके साथ बात हो रहा है ऐसा एक घंटा 15 मिनट राधा रानी का माया रूप से आया, बात हुआ आपसे, हाँ हमारे साथ, और छोड़ के गया था, जाने का टाइम पता तो नहीं है राधा रानी ने, बाद में वो कहीं नहीं है, बाद में छोड़ के गया था, जो पादुका चप्पल पहने आया से चप्पल छोड़ के गया था, एक बिछा छोड़ के गया था, जो पैंट पहने आया पैंट छोड़ के गया था, एक बुनियाद छोड़ के गया था, वो लेके देगा। आप रो मत प्लीज। आप तो बोला आशीर्वाद हो रहा, हम तो घूम रहा है आज 12 साल तो घूम रहा है राधा जी के लिए, 6 साल तो दर्शन मिला, 6 साल तो हम कना कना चम मरा, अभी 10 स्टेट हो गया चल रहा है, 10 स्टेट हमारा साइकिल यात्रा चल रहा है। ऐसी भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है और दुर्लभ है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि वृंदावन की यात्रा में आपको संतों के दर्शन करवा रहा हूं, उनके आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज जो हम ऐसे संत से आपके दर्शन करवाता हूं, उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं और उनसे थोड़ा रूबरू होने की कोशिश करें कि वो पूरे भारत में साइकिल से परिक्रमा करें। जैसे आप देख पा रहे हो मैं कैमरे में से निवेदन करूँ, प्रभु जी हैं जो गुरु जी ये साइकिल से ही पूरे भारत की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी ये कलकत्ता से वृंदावन तक पहुँचे हैं और वृंदावन से आगे ये उत्तराखंड होते हुए नेपाल जाएंगे। इनसे थोड़ा हम आशीर्वाद लेते हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं इनकी प्रेरणा के बारे में और इनकी भक्ति के बारे में, क्योंकि जैसे कहा जाता है भक्त के बस में है भगवान, ये सत्य भी है। और जो तपस्वी त्यागी होते हैं उनका एक त्याग हमें सीखने को मिलता है। गुरु जी पहले तो मेरी तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु जी आपका शुभ नाम? सुदर्शन दास। इनका गुरु जी का नाम है सुदर्शन दास जी, और आपके गुरु जी का क्या नाम? हमका गुरु जी का नाम है भक्ति सिद्धांत साधु महाराज। साधु महाराज जी, और गौड़ीय संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय, मायापुर, कलकत्ता मायापुर। अच्छा गुरु जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जो आप भी पूरे भारत की ये साइकिल पर परिक्रमा कर रहे हो, पैदल साइकिल पर चल रहे हो, तो इसका चलने का क्या उद्देश्य है? आप क्यों ऐसा मतलब अपनी कठिन तपस्या कर रहे हो? चलता हुआ जोगी बहता हुआ पानी, एक जगह रुकता नहीं, ऐसा जो जिसको जोगी बनाता है उसको पैदल से घुमाता है सारी देश, एक गीता का बात है। जो हम जोगी है कर्म जोगी है, कर्म जोगी एक जगह इकट्ठा रहेगा नहीं, जैसा गंगा पानी की नदी का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो गंदा हो जाएगी, ऐसा महात्मा को एक जगह इकट्ठा, एक नाइट दो नाइट बस चलते ही रहो चलते ही रहो, ये है हमारा रास्ता, वो कौन समझेगी। जैसे कि गुरु जी आपकी उम्र क्या है अभी? अभी 60। 60 साल की उम्र है और 60 साल के मैं आज के टाइम देख रहा हूँ लोग अपने बिस्तर पकड़ के बैठ जाते हैं, और आज के टाइम में और आप इतनी साइकिल से कठिन आने लगे, हालांकि हर कोई साइकिल चला भी नहीं पाता, और आप 60 साल की उम्र में वो पूरा भारत का ये साइकिल के माध्यम से कर रहे हो, तो ये इतनी ताकत इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? और सब ठाकुर जी का प्रेरणा है, ठाकुर जी की नहीं ताकत देता तो किसी का ताकत नहीं, हर आदमी का बात कर रहा है, हमारा नहीं है, हर आदमी का, आपको भी ताकत दे रहा है, इसी की दे रहा है, आज चाटा के भी दे रहा है, सब ठीक ठाकुर जी है। प्रभु जी जैसे कह रहे हैं ठाकुर जी ताकत दे रहे हैं, सत्य भी है इंसान के, राधा रानी के बिना कुछ नहीं है, राधा रानी के बिना एक पत्थर भी हिलेगा नहीं, आप लोग का पता नहीं है, भजन का ताकत से पता चल जाएगी जी क्या है दुनिया क्या देख रहा है, यही तो झूठ है, यही तो सब माया है, असली रास्ता असली सड़क तो जो ले जा रहा है राधा रानी, हर एक पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हम शरीर को ताकत समझ रहे हैं वो ताकत नहीं है, इनका कहना है भक्ति में जो ताकत मिलती है वो ताकत ही अलग होती है, वो ताकत ऊर्जा भी अलग होती है, जैसे उन प्रभु जी कह रहे हैं। भक्ति चाहता है तो दुनिया का एक नंबर बन जाता है, भक्ति कितना ताकत है। अच्छा। संसार का ताकत है रुपया, रुपया है तो जिसका पास रुपया है वो हर चीज़ कर सकता है, महात्मा जो है उसका पास भक्ति है तो जो ये चीज मांगता नहीं, ये सब जड़ा संसार है, ये झूठा संसार है, झूठा चीज़ कभी महात्मा मांगता नहीं ठाकुर जी के पास, सिर्फ ठाकुर जी का भक्ति मांगता था,
और भक्ति का क्या ताकत है, एक बात सुन, किसी का नाम नहीं, भक्ति का ताकत है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ, आज रामदेव इतनी साइकिल से फेरी करके दवाई, आज इतना बड़ा आदमी बना, इतना बड़ा महात्मा, ऊंचा महात्मा मान गया ना, उस सब भक्ति का ताकत, भक्ति से निकल क्या हुआ अभी तो कुछ को माया में दे, उसको बात छोड़ो, वो भक्ति का ताकत से मिला, कोई चाय दुकान से, कोई साइकिल से, कोई और कुछ, भक्ति का इतना ताकत, भक्ति कुछ मांगता नहीं, मांगता तो उसको भी मिल रहा था, वो मिला देगी राधा रानी। जैसे कि प्रभु जी कह रहे, भक्ति में इतनी ताकत है, जो सोचोगे, जो पाओगे, मांगना चाहोगे, वो मिलेगा, चाहे तो राष्ट्रपति बन जाएगी, निखिल भक्ति जो असली जो उच्चा भगत है वो कुछ मांगेगा नहीं, ये जड़ेगा तो मांगेगा नहीं, भक्ति के जो मार्ग पे होगा वो सांसारिक मोह माया नहीं मांगेगा, इनका प्रभु जी का कहना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी इन्होंने कहा, जैसे कहा है, अगर वो तो सुख दे रहा है, अभी सुख दे रहा है राधा रानी, हर एक के सुख दे रहा है, वो भी तप कर रहा है, वो भी तप कर रहा है, वो भी जो हम उत्तराखंड गया था ऋषिकेश में ना, ऋषिकेश में हम सुन के आया, जो वह गुफा में, मैं भी दर्शन करके आया था, हाँ गुफा में भजन करके आया, तो सिद्धि लाभ करा, लेकिन क्या हुआ अभी उसको सुख दे रहा है, अभी कल्याण के लिए अभी इस सड़क अलग है, वो हम सोना वो शंकर जी का भगत है, किसी का बारे में प्रधानमंत्री के बारे में बात करें हमको माफ कर दे कोई गलती हो तो, जो साच ही बोलना चाहता है, कह रहा हम भक्ति सड़क में चल रहा है, हम महात्मा सड़क में चल रहा है, इसलिए हमको ज्ञान से आँख से देख रहा है, ये जो आज चाय से आज प्रधानमंत्री बना, आज साइकिल फेरी से आज इतना देश विदेश पहचाना है, किसको ताकत, कुछ तो है अंदर में, तो राधा ने समझा दिया, हमारा भक्ति अपार शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, भक्ति जो मांगेगी उसको वही मिल जाएगी, निखिल जो भक्ति ये जड़ा जगत ये संसार का चीज़ मांगता नहीं, भक्ति मानता है सिर्फ भक्ति, निखिल जो जिसका भाव जो जिसका मांगेगी ठाकुर जी उसको वही देता है, मान लिया कोई ताकत मान लिया, कोई इज्जत मान लिया, क्यों कुर्सी मान लिया, क्यों रुपया मान लिया, क्यों मरने के बाद माला पहनेगी, आरती उतराएगी, मूर्ति बैठेगी, ये हरे हरे का महात्मा को हरे करके भात राधा नहीं देता था और कुछ नहीं। जैसे कि गुरु जी एक चीज़ जाना, जो आपकी ये भक्ति की भावना देख रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे संतों से हमारे दर्शक भी मिले, मैं भी मिला हूँ, ये भावना मुझे कहीं अलग ही दिखाई दे रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपने जब गुरु दीक्षा ली या सन्यासी की तरफ बढ़े तो कब बढ़े थे, उस समय उम्र क्या थी आपकी? शास्त्रों का अनुसार हम संसार से आया 48 एज, हमारा 48 जब उम्र है, हमारा 60 ख़त्म होने वाला, 18 नवंबर हमारा डेट ऑफ बर्थ, नवंबर चल रहा है, तो 60 साल उम्र से सुनिए, 12 साल हम महात्मा सड़क में रास्ता में चल रहा है, हमारा गुरु अभी वो तो पहले बोल दिया किशन जी है, किशन जी है वही सदगुरु, और जो है तो माया का गुरु है, हर एक महात्मा को हर एक जन्म में उसको ही गुरु मानना चाहिए, वो तो शास्त्र में लिखा हुआ है सदगुरु वही है, दूसरा सदगुरु कोई नहीं है, वही सड़क देखा कर ले जा रहा है बाबा, नहीं तो हमारा भी तो मन है संसार में रहेगी, हम अब लोग को कृपा से राधा ने कृपा से हम छोटा मोटा घर का लड़का नहीं है, अच्छा हम बहुत अमीर घर का लड़का है, बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का है, चाहे तो अभी बुरा मत मानिए 2 करोड़ का जमीन हमारा अभी तक है, 2 करोड़ की संपत्ति आपके पास अभी पास, अच्छा लेकिन सब छोड़ा के चला है राधा रानी, सब चढ़ा के ले घूम रहा है, हमारा क्या काम है वो राधा रानी का, हमको पता है और किसी का नहीं है, 2 करोड़ की संपत्ति छोड़कर तो ये भक्ति में आया, अरे हम चाहता है तो ठाकुर जी के पास हम कुछ मांगता नहीं, ठाकुर जी के पास राधा रानी का ये मांगता है तुम्हारा जुगल चरण दर्शन, हमारा आधा सिद्धि लाभ हो गया ऐसे 6 साल पहले, हमारा राधा रानी का माया रूप का दर्शन हुआ आप लोग को, वो एक अलग कहानी है, जैसा आपके साथ बात हो रहा है ऐसा 1 घंटा 15 मिनट राधा रानी का माया रूप से आया बात हुआ आपसे, हाँ हमारे साथ, और छोड़ के गया था जाने का टाइम पता तो नहीं है राधा रानी ने, बाद में वो कहानी है, बाद में छोड़ के गया था जो पादुका चप्पल पहने आया
से चप्पल छोड़ के गया था, एक बिछा छोड़ के गया था, जो पैंट पहने आया पैंट छोड़ के गया था, एक बुनियाद छोड़ के गया था, वो लेके अभी तो घूमता बोल के गया था जाने के टाइम, आएगी लेके आएगी बस। नहीं आप रो मत, आप रो मत, आप रो मत। आज 6 साल हो गया, अभी तक तो आया नहीं। नहीं प्रभु जी आप नर्वस मत हो, मत, राधा रानी आपके पास जरूर आएगी, मैं चाहूंगा जरूर आएगी आपके पास, राधा रानी जरूर आएगी। नहीं चाहता नहीं, राधा रानी क्या कर रहा है आप? अब मुझे राधा रानी ने एक जरिया बनाया बस लोगों को भक्ति के लाइन में देने के लिए। हम तो चला बन के रहूंगा, हम तो कभी गुरु बनेगा नहीं, राधा रानी गुरु बन देगा। आप रो मत प्लीज। राधा रानी जो करेगी हर एक आदमी के हर एक, लेकिन अच्छी कर रहा है आपका भी अच्छी करेगी, बाबा भी अच्छी करेगी, हर एक आदमी। मैं चाहता हूँ लोगों में भक्ति की भावना जागे, लोग धर्म की तरफ बढ़े, मेरा और कुछ उद्देश्य नहीं है, मेरा कुछ उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य राधा ने पूरा करे साज है जो जो क्या बोलो जो अपना हिंदी अच्छी तरह पता नहीं है, जो जिसका भावना अच्छी है ना, राधा रानी उसको अच्छी रास्ता में ले जाता है, और जिसका मन गलत है उसको गलत सड़क में ले जाता है। भाव दो है, एक एक सच्चा है और एक बुरा है, तो दोनों ही राधा रानी कराता है। वो अलग कहानी अलग बात, छोड़िए एक बात सुनिए, आप तो बोला आशीर्वाद हो रहा, हम तो घूम रहा है आज 12 साल तो घूम रहा है राधा रानी के लिए, 6 साल तो दर्शन मिला, 6 साल तो हम कना कना चमरा, अभी 10 स्टेट हो गया चल रहा है, 10 स्टेट हमारा साइकिल यात्रा चल रहा है, तू तो राधा रानी की ढूंढ रहा है, तो अभी तक तो मिला नहीं, आप कृपा करिए जहाँ हमको राधा रानी जी को दर्शन। आप भी बोलिए, मैं राधा रानी जरूर आपको दर्शन देगी, जरूर आपकी दर्शन देगी, और जरूर आपसे एक बार वापस जरूर मिलेगी राधा रानी, अगर मेरी भक्ति में कर रहा हूँ धर्म के प्रति, जरूर आपको मिलेगी, क्योंकि राधा रानी आप भक्तों के बस में ही हैं। तो सही है, लेकिन कष्ट है, जैसे कि बाबा जी ने कहा है, रियल में एक आप भी कोशिश कीजिए एक बार फिर इनको राधा रानी का दर्शन की मिले, एक बार सभी आप भी एक बार राधा रानी को प्रेरणा कीजिए, और राधे राधे जरूर बोलिए रोजाना, और घर में गुड मॉर्निंग की जगह राधे राधे बोलिए, एक भाव है ना, वो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि ऐसी भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है और दुर्लभ है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कोई भी हो, मेरा उद्देश्य आप धर्म की तरफ बढ़ो, आप भक्ति को पहचानो, भक्ति को जानो, ऐसे दुर्लभ संत आपको घर बैठे दर्शन करवाने का मेरा उद्देश्य है, आप इनसे प्रेरणा लीजिए, ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो कठिन तपस्या कर रहे हैं, जो इन्होंने संकल्प लिया धर्म की तरफ बढ़ने का, उससे कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, ये जन कल्याण के लिए कर रहे हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, इनके पास करोड़ों की संपत्ति छोड़कर ये अपने क्यों कर रहे हैं, आज क्यों साइकिल चला रहे, क्यों भक्ति कर रहे हैं, जन का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यही बात है। तो किस प्रकार की लगी गुरुजी द्वारा सत्संग, गुरुजी के विचार, भक्ति के भावना मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश रहेगी ऐसे दिव्य संतों के आपको दर्शन कराऊं, ऐसे त्यागी तपस्वी संतों के आपको दर्शन करवाता रहूं। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे, राधे।